हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूनम स्टिचिंग एंड आर्ट। आज मैं इस वीडियो में पैंट की स्टिचिंग कैसे करते हैं वो आपको बताऊंगी। इससे पहले मैंने इसकी कटिंग की वीडियो शेयर की है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। और वीडियो के एंड में भी एंड स्क्रीन पर वो वीडियो लगी हुई मिलेगी, वहाँ से भी क्लिक करके आप देख सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो हमने पैंट की कटिंग की है उसके फ्रंट पार्ट को लेंगे यहाँ पे। फ्रंट पार्ट में हम प्लेट्स डालते हैं फ्रंट में, तो पैंट की मैं उल्टी साइड पे यहाँ पे प्लेट्स के लिए यहाँ पे मार्किंग करूँगी। 4.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है, 4.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे और इसके आधा आधा इंच दोनों तरफ हम यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और इसकी लेंथ मैं यहाँ पे 5 इंच लूँगी, इस तरह से इसको मिला देंगे। और जो हमने दोनों तरफ आधा आधा इंच पे मार्किंग की है उसको भी हम सेंटर में इस तरह मिला देंगे एरो की तरह। और दूसरे कपड़े को मैं इस पर प्लेस करूँगी, थोड़ा प्रेस करेंगे इसको, यहाँ पे हमें सेम यही मार्किंग हम इस पर कर लेंगे। ये प्लेट्स के लिए मैंने मार्किंग कर दी है। उसके बाद हम इसके आसन पे स्टिचिंग करेंगे और जो इसका बैक पार्ट है उसके आसन पर भी हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। पहले हम प्लेट्स डालेंगे इसमें। प्लेट्स हमें कपड़े के उल्टी साइड ही मार्किंग करनी है और इस तरह से इसको पकड़ते हुए इसमें हम इस तरह सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने दोनों पार्ट्स में ऐसे प्लेट्स डाल ली है और अब इनके आसन पे मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। और इसी तरह हम अपने इसके बैक पार्ट को भी इसी तरह स्टिच कर लेंगे। ये मैंने फ्रंट पार्ट में जो इसका बैक पार्ट है उसमें जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था बेल्ट के लिए वो मैंने इसमें स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें इलास्टिक जोड़ेंगे। इलास्टिक मैं सिलाई से थोड़ा ऊपर रखूंगी, बिल्कुल सिलाई से टच करते हुए हमें इस पर सिलाई नहीं लगानी है। और इस तरह मैं इसको दोनों तरफ यहाँ पे जोड़ देंगे। पहले हम दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरह से इसको इसमें अटैच कर लेंगे। कपड़े को ऊपर से फोल्ड करेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह अंदर की तरफ मोड़ देंगे और यहाँ पे नीचे कॉर्नर में बिल्कुल सिलाई लगाएंगे इसके बिल्कुल किनारे पे कपड़े के। और हमें इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगानी है, ये ध्यान रखना है। इलास्टिक को थोड़ा सा ऊपर करते हुए इस तरह हम सिलाई लगाएंगे। फिर कपड़े को पीछे की तरह प्रेस करेंगे और इलास्टिक को आगे की तरफ हम खींच लेंगे। इलास्टिक को हम आगे की तरफ खींचते जाएंगे और कपड़े को पीछे की तरफ पुश करते जाएंगे इस तरह से। और हमें इलास्टिक को बचाते हुए सिलाई लगानी है। ये यहाँ पे मैंने सिलाई इस पर लगा ली है और जो इसका सेंटर पार्ट है इस पर मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी इसके सेंटर में बिल्कुल इस तरह से। अब हम इसके बीच में सिलाई लगाएंगे
प्लास्टिक को पूरा खोलते हुए हमें सिलाई लगानी है। एक हाथ से हम उसको पीछे की तरफ खींचेंगे और एक हाथ से हम आगे की तरफ, पूरी हमें इलास्टिक खोल के सिलाई लगानी है यहाँ पे इस तरह से। और दूसरे हाफ साइड हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये हमने अपने पैंट के बैक पार्ट में यहाँ पे इलास्टिक डाल ली है। अब इसके फ्रंट पार्ट पे आते हैं। फ्रंट पार्ट में हम राइट हैंड साइड पॉकेट लगाएंगे। यहाँ पे पॉकेट की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे ऊपर से 3 इंच इसकी चौड़ाई ली है, 6 इंच इसकी मैंने लंबाई ली है। और इसको इस तरह तिरछा हम काट लेंगे। अब इस कपड़े को हम अपनी जो हमने पॉकेट की कटिंग की है उसके एक साइड पे रखेंगे, स्ट्रेट वाली साइड पे। एक कपड़े पे हमें कटिंग करनी है और इस तरह से काट लेंगे। दूसरे पार्ट को इसके ऊपर इस तरह रखेंगे। जिस तरफ हमने कटिंग की है उस तरफ हमें सिलाई नहीं लगानी है और बाकी दोनों तरफ हमें सिलाई लगा देनी है। अब हम पैंट में इस पॉकेट वाले कपड़े को अटैच करेंगे दोनों कटिंग वाले पार्ट्स को जोड़ते हुए। और यहाँ पे मैं एक पैर की आधा इंच से भी कम यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। इसको नेल से अपने थोड़ा इस तरह से सेट कर लेंगे और इसके ऊपर फिर इसको फोल्ड करके कपड़े को दूसरी साइड इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और पॉकेट को सीधा कर लेंगे हम। इस तरह से पॉकेट का जो ये सिलाई वाला पार्ट है वहाँ से हम उसको पकड़ते हुए इस तरह से इसको पकड़ेंगे, इसे सेट करते हुए जो बाकी दूसरा कपड़ा है उसको नीचे की तरफ रख के हम इस तरह यहाँ पे इसको पॉकेट को ऊपर अटैच कर लेंगे कपड़े में। यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। नीचे की तरफ भी हम पॉकेट को इसमें कपड़े में अटैच कर देंगे जैसे सेट करके इसको यहाँ पे सिलाई लगा देंगे एक। और ये हमारी पॉकेट यहाँ पे लग के तैयार हो गई है। अगर आपको पॉकेट लगाने का दूसरा तरीका भी सीखना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। अब इसमें मैं बेल्ट का कपड़ा जोड़ूँगी यहाँ पे सीधी साइड, इसमें कपड़ा हम रखेंगे और इसको इस तरह से इसमें अटैच कर लेंगे। और ये मैंने इसमें बुकरम का पार्ट काटा है, इसकी चौड़ाई मैंने ली है 1/4 इंच और इसकी लेंथ हम इतनी लेंगे जितने हमारे इस फ्रंट पार्ट की है। इसको इस तरह से इस पर रखेंगे। यहाँ पहले मैं इसको रफ सिलाई से अटैच कर रही हूँ। सिलाई से नीचे वाली जो ये सिलाई है इसमें हम टच करते हुए इसको इस तरह अटैच कर लेंगे। और ये जो हमारा बैक पार्ट है इलास्टिक वाला इसको इसमें इस तरह रखेंगे सीधी तरफ और 1/2 1/2 इंच हम यहाँ से कपड़े को दबाएंगे और सीधी सिलाई लगा देंगे नीचे मोहरी तक। ऐसे हम दूसरी तरफ से इस सिलाई से सिलाई को मैच करेंगे और 1/2 1/2 इंच दबाते हुए यहाँ से नीचे मोहरी तक हम सिलाई लगा लेंगे। 1/2 1/2 इंच हमें कपड़ा दबाना है यहाँ पे सिलाई में। इस पॉकेट वाले कॉर्नर पे यहाँ डबल सिलाई लगा देनी है।
अब ये हमारी जो बेल्ट है और ये इलास्टिक वाला पार्ट है यहाँ पे, इसमें ओवरलॉक हो जाएगा। इसको इस तरह से फोल्ड करके हम कपड़े को नीचे की तरफ मोड़ देंगे। देखिए, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी हमारे ऊपर। यहाँ बेल्ट का जो पार्ट है वो इधर निकला हुआ नहीं दिखाई देगा। इस तरह से इसको सिलाई लगा देंगे इसमें, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। और बिल्कुल कॉर्नर में सिलाई लगा देंगे इसके किनारी पे। इस तरह हम अपनी पूरी बेल्ट पे यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी साइड भी हम कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे। और ऐसे सिलाई लगा देंगे इस पर। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है हमारी। अब इसके ऊपर यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे हम बिल्कुल किनारी पे। और ये हमारी बेल्ट यहाँ पे बनके बिल्कुल तैयार है। और जो ये हमने रफ सिलाई लगाई थी बुकरम के पार्ट को जोड़ने के लिए, उसको हम हटा देंगे। और ये हमारी पैंट का बेल्ट वाला पार्ट बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी मोहरी फोल्ड करेंगे। मोहरी को फोल्ड करने के लिए हमने 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, तो हम 2.5-2.5 इंच पर यहाँ पे मार्किंग करेंगे। और इसको इस तरह से 1.5 इंच में यहाँ पे इसको फोल्ड किया है मैंने। उस पर किनारी पे हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आप तुरपाई वाली ये बनाना चाहते हो मोहरी, तो तुरपाई वाली भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे इसमें सादा सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पे। ये मोहरी मैंने फोल्ड कर ली है, दोनों पहुँचे हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब इसकी हम फिटिंग करेंगे। फिटिंग के लिए मैं निशान लगाऊंगी। इसकी लेंथ हमें 36 इंच चाहिए थी और 36 इंच ही ये तैयार बैठी है यहाँ पे। सबसे पहले हम मोहरी के लिए यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। मैंने यहाँ पे 6 इंच इसकी मोहरी ली है, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ 12 इंच ऊपर हम अपने घुटने के लिए मार्किंग करेंगे। 7.5 इंच मैंने यहाँ पे मार्किंग की है, आप अपने घुटने पे यहाँ से नाप के मार्किंग कर लोगे अपने अकॉर्डिंग। और इस तरह मैं इसको यहाँ पे ऊपर पे मार्किंग कर दूंगी घुटने वाली उस पे मार्किंग पे मिलाते हुए। और इसी तरह हम दूसरी साइड भी यहाँ पे निशान लगा लेंगे फिटिंग के लिए। ये मैंने यहाँ पे दोनों साइड फिटिंग के लिए निशान लगा लिया है। अब इस पे हम सिलाई लगा देंगे। ये मैंने पैंट पे फिटिंग की सिलाई लगा दी है और हमारी पैंट बनके तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।